हेलो व्यूअर्स, दीप्तनु हियर। अभी मैं आप लोगों के साथ गवर्नमेंट का जो नया इनिशिएटिव है डिजिटल लॉकर, उसको लेके बात करने जा रहा हूँ। वो आप लोग क्यों यूज़ करोगे, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे यूज़ करोगे, तो उसको लेके ही मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा डिजिटल लॉकर आप लोग क्यों यूज़ करोगे और कैसे यूज़ करोगे। पूरा डिटेल मैं आप इस वीडियो में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिजिटल लॉकर से रिलेटेड गवर्नमेंट का लिंक होगा, वो लिंक से आप साइन अप करके कैसे आप प्रोफाइल को यूज़ करोगे उसके बारे में पूरा जानकारी मैं इधर दे दूंगा। तो फर्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, ये डिजिटल लॉकर जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के थ्रू, वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। उस इनिशिएटिव के थ्रू आप लोग आसानी से आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो डिजिटल लॉकर पे आप लोग रख सकते हो और वहाँ से ही शेयर कर सकते हो कोई भी गवर्नमेंट काम के लिए। उसके लिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोई भी हार्ड कॉपी लेके इधर से उधर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डिजिटल लॉकर का ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, तो वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू आप लोग कोई भी आपका डॉक्यूमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, उसको शेयर कर सकते हो। तो कैसे शेयर करोगे, शेयर ऑप्शन है उसके अंदर, वहाँ पे जाके आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हो उसका ईमेल आईडी जस्ट डालना है, बस इतना ही। तो डिजिटल लॉकर जो वेबसाइट है उसको पहले आप लोग वेबसाइट खोल के साइन अप हो जाइए या फिर आप डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप को डिजिटल लॉकर का, और उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए आपका एक ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, और फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करिए और उस पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद, साइन अप करके लॉगिन होने के बाद आपको डिजिटल लॉकर के थ्रू आधार कार्ड लिंक करने के लिए बोलेगा। तो आधार कार्ड को आपको लिंक करना ही है। आधार कार्ड लिंक करने के बाद आप डिजिटल अकाउंट को पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें क्या आप फैच कर सकते हो, पहले वंस आप लोग आधार कार्ड से लॉगिन हो जाओगे तो आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड आपका वहाँ पे ऑलरेडी सेव मिलेगा, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। और आप लोग दूसरा गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आपका एजुकेशनल, अगर आपका सेंट्रल बोर्ड से पास आउट हो इंडिया गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल का जो पास आउट है 10th और 12th का मार्क्स कार्ड है, वो भी आप लोगों को डिजिटल अकाउंट के अंदर ही फेच करके रख सकते हो, और फिर जब ज़रूरत पड़े उसको शेयर कर सकते हो कोई भी ईमेल पे जिस पे आप चाहो। तो यही है बेनिफिट डिजिटल लॉकर का, आपको कोई हार्ड कॉपी लेके इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ड्राइविंग करते समय हम लोग काफ़ी टाइम भूल जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को कैरी करना, तो आपको उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल लॉकर पे ही आप लोग सेव करके रख सकते हो। इवन आप लोग अपलोड भी कर सकते हो आपके सर्टिफिकेट्स। तो पहले जब डिजिटल लॉकर इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब 2015 में, तब उसका जो लोकेशन का, स्टोरेज लोकेशन का था, उसका उतना ज़्यादा मेमोरी नहीं था, मगर अभी 1GB तक मेमोरी है, 1GB तक डाटा आप सेव कर सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको कैसे क्या करना है, आप मैंने वीडियो में बोल दिया, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके आप लोग उस पर साइन अप करके इजीली डिजिटल लॉकर को एक्सेस करके यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड, अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ डिजिटल रिलेटेड टॉपिक को लेकर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय।